न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबर आज भी है, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन हमने हमारा सीक्रेट मसाला तड़का सब मिला दिया है, आपको बड़ा मजा आने वाला है। हमने आपसे सवाल किया था कि आपके फोन में सेल्फी कितने मेगापिक्सल की है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने 16 मेगापिक्सल कहा, कुछ लोगों ने 32 कहा, कुछ लेजेंड्स थे जिन्होंने 12 इन्होंने 20 भी बोला है। तो हाँ, इससे ये पता चलता है कि 16 मेगापिक्सल बहुत कॉमन हो चुका है और आजकल ब्रांड भी वही दे रही है, तो हम करें क्या। आज का सवाल थोड़ा डिफरेंट है। सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब नहीं, इनमें से ज़्यादातर आप जिसमें हम चैटिंग वगैरह कर लेते हो वगैरह, कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं। मैं ट्विटर और व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। हमने Realme 10 Pro Plus 5G इंडियन यूनिट की अनबॉक्सिंग कर दी है, नहीं देखा है यहाँ पर कार्ड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, 20,000 लाइक्स बस, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। फटाफट से आज की रेटिंग शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं MediaTek से। Dimensity 8200 फाइनली आ चुका है, एक बहुत ही बढ़िया 5G फ्लैगशिप चिपसेट है जो कि 3.1 GHz Cortex A78 कोर्स, 4 nm पर है, माली G610 आपको 6 कोर वाला GPU, ब्लूटूथ 5.3 है, Wi-Fi 6E, LPDDR5, UFS 3.1, 320 मेगापिक्सल कैमरा, 120Hz WQHD और 180Hz Full HD, और भी काफ़ी सारे हाइपर इंजन 6 है, ये वो सब कुछ मिलता है। तो ये बहुत सारे फोन्स लाइंड अप है, मुझे थोड़ा पता है, लेकिन खैर जब आएगा चिपसेट के बारे में भी आपको टेस्ट करके प्रैक्टिकली सब बताएंगे। जियो फोन 5G, जी हाँ, लावा ने अपना ब्लेज लाया 10,000 की रेंज पर, तो जियो वाले भी पीछे लाइन में लगे हुए। उनका जियो फोन नेक्स्ट तो सबसे घटिया फोन था मेरे हिसाब से, बट एनीवेज जियो फोन 5G शायद हमें नाराज ना करे। एंड अभी हाल ही में दोस्तों ये गीक बेंच पर और ऑनलाइन लिस्ट हुआ जिसमें स्नैपड्रैगन 480 प्लस वाली चिपसेट है जो कि अच्छी चिपसेट है, 5G का सपोर्ट लेके आ रही है, एंड्रॉइड 12 पर होगा, ये उनका प्रगति OS पर बेस्ड होगा, और भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिस्ट हुई HD प्लस की, बोलते हैं कि जिसमें 90Hz वाली शायद डिस्प्ले होगी, ये 12,000 के नीचे आ सकता है, ऐसी बातें हो रही है। तो इंडियन ब्रांड अच्छा लग रहा है कि बहुत ही कॉम्पिटेटिव प्राइसेस रख रही है, अच्छे फोन्स ला रही है जो हमें चाइनीज ब्रांड से टक्कर दे रही है। ऐसे ही करो ना भाई, हम तो हमेशा ओपन रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, बट 2 महीने में लॉन्च करो, 3 साल तक गायब हो जाते हैं, अपडेट्स के नाम पे कुछ देते नहीं है, इसीलिए चिढ़ाती है। लॉन्चेस की बात करते हैं तो मोटरोला X40 या X40 Pro वगैरह पूरी सीरीज आई थिंक हो सकती है, बट आई एम नॉट श्योर। फिलहाल के लिए X40 15 दिसंबर को चाइना के अंदर लॉन्च हो रहा है, इसकी पूरी ऑफिशियल पोस्टर यहाँ पर सामने आ चुके हैं, देखते हैं कि इस बार मोटोरोला X40 सीरीज से क्या खास करता है। और साथ ही साथ दोस्तों ओप्पो के फाइंड सीरीज, उनका इनो इवेंट होगा 15 दिसंबर को चाइना में होने वाला है, तो ओप्पो वाले भी अपने फोल्डेबल और फ्लिप वगैरह सब कुछ लेके आने वाले हैं, और शायद कुछ और इनोवेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे जनवरी से हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ओप्पो से, वीवो से, शाओमी से कि भाई सैमसंग के साथ अपने भी फोल्डेबल और फ्लिप्स लेके आइए, तो उस मामले में जो कॉम्पिटिशन हो जाएगा ना वो बड़ा तगड़ा हो जाएगा। OnePlus 11R, OnePlus 9R, OnePlus 10R, जी हाँ, OnePlus 11R दोस्तों आने वाला है, जो प्रॉब्ली जनवरी के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके फर्स्ट लुक बाहर आ गए, थोड़ा सा वेट लग रहा है। एनीवेज इसमें आपको एक कर्व्ड फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले मिलेगी और अलर्ट स्लाइडर के साथ आने वाला है, बस फिलहाल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई है, और लग रहा है कि अच्छा ही होगा, बट इसमें भी शायद ऐसा बोल रहे हैं कि Dimensity 8200 वाली चिपसेट हो सकती है, बाकी आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। फरवरी में धमाल होने वाली है। टेक्नो ने फाइनली अपना फर्स्ट टाइम एवर एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, टेक्नो फैंटम X2 और X2 Pro। दोनों में सिर्फ कैमरे में फ़र्क है, एक में रिट्रैक्टेबल पेरिस्कोप है, OIS वगैरह है, दूसरे में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपको कर्व्ड डिस्प्ले, 120Hz वाली LPDDR5, UFS 3.1, बड़ी बैटरी, 40W चार्जिंग, ठीक है। अब इनकी प्राइस 59,000, जी हाँ, आई एम नॉट श्योर इतना एक्सपेंसिव टेक्नो के फोन्स पर लोग आई थिंक इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, बट स्टिल उन्होंने कोशिश किया है, इसीलिए मैंने कहा ना कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, दूसरी ब्रांड्स भी करती है तो मौका देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, वरना फिर इनको पूछेगा ही कौन। तो अभी इंडिया में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में पता नहीं, बट टेक्नो ने भी फाइनली अपना एक फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर ही दिया है। ट्रू कॉलर वालों ने भाई इनको मैं जिले इलाय वाला सलाम करता हूँ, वैसे ये भी आपने सालों बाद देखा रहेगा, एक न्यू गवर्नमेंट डायरेक्टरी वाला कुछ फीचर लेके आ गया है। बेसिकली अब क्या होगा कि आपको जब भी कोई फोन करता है और बोलता है कि हम गवर्नमेंट सर्विस है, हम यहाँ से वहाँ से बोल रहे हैं, तो उसको पकड़ने के लिए ट्रू कॉलर ने सारी गवर्नमेंट एजेंसी से इंडिया में पार्टनरशिप कर दिया है। अब जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा तो पूरा बैकग्राउंड आपका ग्रीन रहेगा, ब्लूटिक रहेगी, ऑफिशियली पता चलेगा कि हाँ ये तो ओरिजिनली गवर्नमेंट वाले ही है, अब आपको कोई उल्लू बना नहीं सकता है। अगर कोई उल्लू बनाने की सोचा गवर्नमेंट का नाम लेने से तो उस पर स्पैम लिखा रहेगा हमेशा की तरह, और आप उस पर बैन लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छा फीचर है जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज से उनकी इन्फॉर्मेशन आपको आते ही मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि ये गवर्नमेंट वाला है या स्कैमर है। फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का सबसे अफोर्डेबल रेंज का स्मार्टफोन M04 इंडिया के अंदर बड़ी ही जल्दी लॉन्च हो रहा है, आई थिंक ये दिसंबर 9 को हो रहा है,
मेरे ख्याल से अभी हमारी टेक न्यूज जारी तब तक तो हो गया रहेगा या होगा पता नहीं। तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज अप टू, ये 9000 में सैमसंग नहीं दे सकता है, इसमें प्राइस भी 9000 लिखी है और इसमें अपडेट्स भी ज़्यादा देने की सोच रहा है, 2 साल तक अपडेट्स, वो भी अंडर 10,000 वाले फोन्स, ये सैमसंग वाले कमाल कर लेते हैं, ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी है। बाकी तो ओवरऑल डिसेंट फोन लग रहा है, ये तो आएगा, तो अगर इनकेस आपको इसकी अनबॉक्सिंग चाहिए हमें बताइए, हम ज़रूर करेंगे। नेटफ्लिक्स वाले भैया ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ करने की प्लान कर रहे हैं। हाउएवर ये चीज़ पहले होती थी बट सबके लिए नहीं होता था, अभी भी सबके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी पब्लिक के लिए थोड़ा अवेलेबल कर रहे हैं। इनकेस अगर आपको नेटफ्लिक्स के शोज पहले से ही इन्जॉय करने हैं, मूवीज़ वगैरह, आप कर सकते हैं, पहले देख लीजिए, फीडबैक दीजिए या कुछ भी होगा वो करिए, उसके बाद फिर पब्लिक यहाँ पर दूसरे लोग देख सकते हैं जैसे कि हम सब देखते हैं। तो ये प्रोग्राम के लिए उसके लिए अलग से साइनअप करना पड़ेगा, दूसरों से पहले ही आप नेटफ्लिक्स के शोज़ का मज़ा ले सकते हैं। अब उन्होंने बताया नहीं कि कैसे होगा बट होगा, तो पहले मैं करेगा फिर बचेगा तो आपको बताएगा। डील की बात करते हैं, ऑल इन वन चार्जिंग केबल सेट जिसमें आप सिम इजेक्टर पिन, अपने टाइप सी केबल, टाइप ए केबल, छोटे छोटे सिम कार्ड या बड़ा सिम कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट, और ये मोबाइल होल्डर की तरह भी काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ वहाँ रख लेते हैं और हमें मिलता नहीं है, इसके अंदर पूरा सेट है, आप इसमें जो रख सकते हैं, और भी दूसरे पर्पज़ भी इसमें है, बहुत सारे काम होते हैं। 1000 रुपये का अवेलेबल है, बहुत यूनिक चीज़ है, अगर बहुत कम लोगों को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम एवर ई स्पोर्ट्स कंपनी के साथ में मीटिंग करने की प्लान करी है, ऑनलाइन जो बैटिंग होती है ना, जो गेम्स होते हैं जिनमें बैट करते हैं उनको लेकर। उन्होंने बोला कि यूथ हमारी बिगड़ना नहीं चाहिए, कंडीशंस बताइए क्या होता है, कौन से गेम्स कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही आप हम अलाउ करेंगे वरना उसको बैन कर देंगे। तो एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, यूथ आज जो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो यूथ है, तो और अगर वही इन चीज़ों में बर्बाद हो जाएगा तो कैसे चलेगा। मैं तो हमेशा से पहले से ही गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, मैं कभी आज तक आप मेरे चैनल की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हम ऐसे वीडियोस बनाए नहीं, चैलेंज है आपको, आप जाके देख लीजिए। खैर, तो ये चीज़ हुई है, अच्छा है, मुझे लगता है कि अगर ऐसे कानून पूरे इंडिया में आ जाए, लिमिटेड लोग अगर ऑनलाइन बैटिंग वाले चीज़ों में हाथ डाले तो सही है। क्या आपको बताया दोस्तों, दुनिया का सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का मटेरियल कौन सा है? ग्राफीन एरोजेल जिसको बोलते हैं, ये जो एयर है ना, हवा जो है, उससे भी 7 गुना ज्यादा हल्का है, सोचो। आज के न्यूज़ से खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको आज के पसंद आएगी, पसंद लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।